फेक न्यूज़ को लेकर आजकल बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं। जी हाँ, ये तो आप सब जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आजकल फेक न्यूज़ बहुत पोस्ट हो रहे हैं और शेयर भी किए जा रहे हैं। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने बड़ा कदम उठाने का सोचा है। जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक का कहना है कि वो 7500 से ज़्यादा कंटेंट्स क्रिटिक्स तैयार कर रहा है जो नफरत फैलाने वाले विचारों और बच्चों के कोई भी ऐसी बुरी खबर जो कि कंटेंट जो भी जुड़ी होंगी उसको प्लेटफॉर्म पर एनालाइज करेगा। फेसबुक के ये कंटेंट का एनालाइज भी कर्मचारियों में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह के कर्मचारी शामिल होंगे। इसमें फेसबुक के कुछ पार्टनर्स के कर्मचारी भी शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक ने बताया है कि ये कर्मचारी दुनिया भर के सभी टाइम जोन में 50 भाषाओं में पोस्ट्स की समीक्षा करेंगे, यानी कि एनालाइज करेंगे। फेसबुक में ऑपरेशन के वॉइस प्रेसिडेंट ने अपने ब्लॉग में बताया है कि इतने बड़े पैमाने पर कंटेंट की एनालाइज पहले कभी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि आखिरकार इससे पहले ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो नहीं था जहां अलग अलग भाषाओं के अलग अलग देशों के ढेर सारे लोग आपस में बात करते हैं। हम इस चुनौती को वास्तनेस और जिम्मेदारी को समझते हैं। उन्होंने कहा है, आज तक फेसबुक को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फेक न्यूज़ और ऑब्जेक्शनल पोस्ट में ऐसी बढ़ोतरी पहले नहीं देखी गई थी, किंतु अब इस तरह के पोस्ट पर लगाम लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए जल्द ही एक्शन लेना पड़ेगा। X9 टेक की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।